नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब किसी कारण से यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाती और छींकने पे, खांसने पे यूरिन पास हो जाती है या फिर यूरिन का अर्ज लगा है तो कंट्रोल नहीं हो पाती और इमीडिएटली पास हो जाती है, यदि इस तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं तो इसे यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहेंगे या यूरिन का लीकेज कहेंगे, और यदि हिंदी में कहते हैं तो यूरिन या पेशाब कंट्रोल नहीं होना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बीमारी के बारे में जो ओल्ड एज लोगों में कॉमनली देखी गई है, लेकिन किसी मेडिकल कंडीशन के कारण यह बीमारी यंग लोगों में भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। हम समझेंगे कि ये क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बीमारी की सीरियसनेस बहुत हद तक इसके कारणों पर डिपेंड करती है। यदि कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक, कॉफ़ी या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है, चॉकलेट, स्पाइसी फूड ज़्यादा मात्रा में लेने से भी यह कंप्लेंट बढ़ जाती है, यदि कोई पेशेंट बीपी की मेडिसिन ले रहा है, सेडेटिव्स ले रहा है या मसल रिलैक्सेंट ले रहा है तो भी यह कंप्लेंट हो सकती है। यदि इन चीज़ों का सेवन कम कर दिया जाए और लाइफस्टाइल को ठीक कर दिया जाए तो इस बीमारी से बहुत हद तक बिना दवाई के भी बाहर आ सकते हैं। कभी कभी किसी मेडिकल कंडीशन के कारण भी यह तकलीफ हो जाती है, जैसे कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन में भी यह हो सकता है। इसमें पेशेंट को बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है, उसको यूरिन में जलन होती है और उसको यूरिन ड्रिबल करता हुआ धीरे धीरे पास होगा। यदि इस तरह की तकलीफ हो रही है तो आगे जाके, यदि ये बार बार हो रही है तो आगे जाके ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में चेंज हो सकती है। कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में एक फीमेल के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बेबी का वेट बढ़ता है, बॉडी का वेट बढ़ता है, उसके कारण यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मींस उसको स्ट्रेस के कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली मसल और नर्व डैमेज हो जाती हैं, उससे यूरिनरी स्फिंक्टर्स लूज हो जाते हैं और पेशेंट को यह समस्या हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी यूरिन कंट्रोल करने वाले स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं और पेशेंट को यूरिनरी लीकेज की समस्या हो जाती है। महिलाओं में मीनोपॉज के बाद भी यह समस्या देखी गई है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन में कमी आ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज हो जाने के कारण भी यह समस्या देखी गई है, इसमें यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है। कुछ नर्व का डिसऑर्डर हो जाने के कारण भी यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल ख़राब हो जाता है और यह समस्या हो जाती है। यदि अब हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, कई पेशेंट में माइनर लीकेज के अलावा कोई बड़े सिम्टम्स नहीं आते हैं। किन्हीं पेशेंट को छींकने में, खांसने में, हंसने में या कोई झटका लगे तो यूरिन पास हो जाता है, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि पेशेंट को कॉन्स्टेंट अर्ज ऑफ यूरिन बनी रहती है, मतलब उसको लगातार बाथरूम जाने की इच्छा होती रहती है और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता रहता है। किन्हीं पेशेंट में सडन इंटेंस अर्ज होती है और पेशेंट अपनी यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। दोस्तों, कितनी भी सीरियसनेस हो या ना हो, लेकिन जरा से भी लीकेज से पेशेंट सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, इसलिए एक्सरसाइज करके, थोड़ी सी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके और सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली दवाई लेके बहुत हद तक इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर यदि हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो दोस्तों, यदि किसी पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है तो उससे उसके यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नंबर टू, बार बार ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होती रहती है, उसके कारण जेनाइटल हिस्सा वेट या गीला बना रहता है, इसलिए पेशेंट को वहाँ पे खुजली होती है और रैशेस आने लगते हैं। यदि अब हम यहाँ पर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो दोस्तों, नंबर वन पे ये है कि डू पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड अवॉइड ब्लैडर इरिटेंट लाइक कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, एसिडिक फूड एट्सेट्रा।
अब हम यहाँ पर इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे दोस्तों। इसमें यूरिन कल्चर करवा सकते हैं जिससे कि यूटीआई रूल आउट हो जाएगा। इसमें सोनोग्राफी, सिस्टोस्कोपी या इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी करवाया जा सकता है। और एक चीज़ और, इसमें ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट भी करवाते हैं, उससे यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रेस मेजर हो जाता है। दोस्तों अब हम यह समझेंगे कि किस कंडीशन में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। इसमें नंबर वन पे है कैंथेरिस क्यू। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब रिपीटेड यूटीआई के कारण, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को यह तकलीफ हो जाती है और उसको दिन भर यूरिन जाने की डिज़ायर बनी रहती है, और जब वह यूरिन करने जाता है तो उसे बहुत प्रेशर लगाने पड़ता है। इस कंडीशन में कैंथेरिस क्यू दी जा सकती है। कैंथेरिस क्यू इन हाफ कप ऑफ वाटर 10 ड्रॉप्स एट ए टाइम दिन में 3 बार 7 दिन तक। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पोस्ट सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, उसके कारण पेशेंट की यूरिन कंट्रोल नहीं हो रही है, उसको छींकने, खांसने, हंसने में यदि यूरिन पास हो जाता है तो कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को खांसने में, चलने में यूरिन पास हो जाता है और उसको यूरिन पास करने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो नेट्रम अच्छा काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है सारसाप्रिला। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उससे बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास होती है और यूरिन का प्रेशर बहुत कम होता है, तब यह मेडिसिन दी जा सकती है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा क्यू। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब स्पेशली आदमियों में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के बाद यह समस्या हो जाती है और पेशेंट का यूरिन कंट्रोल नहीं होता, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। दोस्तों यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे बनाया हुआ यह वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।